अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे भी लोग को देखने वाले जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला इनकी हर परेशानी को दूर करें, आमीन। तो आज शुरू करते हैं हमारा आज का व्लॉग। लेकिन आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे आप सबसे हमेशा की तरह एक ही गुजारिश है कि हमारी वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और आप हमेशा इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज मैं आपको बता दूं मौसम के जो हालात है बहुत ही ख़राब है। यानी कि आज जो गर्मी है वो इतने अरूज पर है ना कि ज़मीन पर पाँव भी नहीं रखा जा रहा है। पाँव जब रखो ना तो पाँव जल जाते हैं, ऐसे लगता है, महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे ना। और आज तो गर्मी भी इतनी है और ये हमारे घर के साथ माशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से जो है चक्की है और ये चक्की ने भी इतना शोर किया हुआ है और गर्मी तो पूछे ही ना कि गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, कैसी हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है। तो आज मम्मी जी जो हैं कद्दू बना रही हैं, तो इन्हें कद्दू के अलावा इन्हें कहते हैं कद्दू शरीफ, तो हम आज खाएंगे कद्दू शरीफ और ताकि हम भी शरीफ हो जाए ना। वैसे तो हम बहुत ही मासूम बच्चे हैं, तो शरीफ तो है ये कद्दू, इस क्या पता खा के हम भी हो जाएं और भी, है ना अम्मी जी? ये क्या अम्मी जी, ये जो कद्दू है ये थोड़े से ख़राब है, देखें ये क्या आज आपको सस्ते मिल गए थे? हाँ जी, ये थोड़े से ज़रा कम कीमत में मिल गए थे इसलिए मैंने ये लिया। अच्छा जी, तो इनकी असल कीमत क्या बता रहे थे वो आपको? वो बता रहे थे 100 रुपये किलो। अच्छा जी, तो ये ख़राब है, फिर आपको वो कितने के मिले? ये मिले मुझे 30 रुपये के दे दिए। अच्छा जी, अच्छा जी, तो माशाल्लाह आज आपने पूरे 70 रुपये बचाए हैं। हाँ, सही है। 30 रुपये पड़े हुए थे ये, उसने कहा मैं और कहाँ लेके जाऊँगा, बस ये आप 30 रुपये के पूरे ले लो, फिर उसने सारे मुझे दे। अच्छा जी भाई, आज माशाल्लाह मेरी मम्मा ने पूरे 70 रुपये बचाए हैं। अच्छा जी, तो अब आप इसमें और क्या डालेंगी? मैं इसमें चने की दाल डालूंगी। अच्छा जी, चने की दाल। हाँ जी, सही, आज तो मज़ा आ जाएगा खा के। ये क्या अम्मी जी, इसमें तो इतने बड़े बड़े बीज हैं, देखें। तो उसने सस्ते दिए हैं तो इसका क्या मतलब है, वो हमें ख़राब चीज़ देगा और हम खा लेंगे? खाने तो पड़े कि आप ले जाओ क्या माने? क्यों अम्मी जी, बस आप चने की दाल बना लें, आप कद्दू छोड़ें? अच्छा जी, तो आप सुन्नत पूरी करवाएंगी आज हमसे? अच्छा जी, ख़राब चीज़ भी खा लेनी चाहिए। अच्छा जी, खा लेंगे, कोई बात नहीं, सुन्नत है ना, सुन्नत पूरी कर लेंगे हम। तो बच्चे आ गए हैं आज भी? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप लोग? अल्लाह ताला का शुक्र है जी। आज तो आपको छुट्टियां मिल गई थी, आपके पेपर भी ख़त्म हो गए हैं, फिर आज आप ट्यूशन? अच्छा जी, तो आपका घर में दिल नहीं लग रहा था? अच्छा जी, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, आप अपनी अपनी बुक्स निकालें, रजिस्टर निकालें, पहले मैं आपको टेस्ट देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपका सबक सुन के ना फिर मैं आपको छुट्टी दे दूँगी, ठीक है? तो आज ऐसा करते हैं, आप लोगों से रिटन टेस्ट नहीं लेते, आज मैं आपसे लेती हूँ ओरल टेस्ट, यानी आज मैं आपसे लेती हूँ सुनने वाला टेस्ट, ठीक है? तो आप मुझे सुनाए 5 का टेबल फरहान। 5 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
रेहान आपने टेबल गलत पढ़ा है, दो नम 17 नहीं होता, दो नम 18 होता है। अच्छा चले फरहान और रिहान आप लोग छुट्टी करें, ठीक है जाएं अब आप लोग, और घर में दिल लगाने की कोशिश करें, या कम तारीख तक दिल लगा लें, फिर उसके बाद आपने इसी ट्यूशन में आना है, ठीक है। तो अम्मी जी जो हैं छील रही हैं लहसुन अदरक और प्याज। मैं आपको दिखा दूं कद्दू, जो हमें रेडी वाले भाई दे के गए हैं, उन्होंने तो हमें लूट लिया आज। अम्मी जी क्या फ़ायदा आपका, आप 100 रुपये में लेते तब भी हम ऐसे ही लूट जाते, और आज आपने 30 रुपये के लिए आज उसने हमें लूट ही लिया है।
क्या फायदा हुआ? ₹100 फिर भी अम्मी जी 30 रुपए में आज कितनी चीजें आ जाती हैं। अच्छा जी, हम खा जाते हैं, 30 रुपए देती हैं आप हमें। अच्छा अच्छा, अब आप हमें खर्चा ना गिनवाए। अस्सलाम वालेकुम नजफ और वासिक। वालेकुम सलाम। वासिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप जी? क्या दे दूं? मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा जी, इधर मेरी तरफ से देखो, कैसी लग रही हूँ मैं बता दो ना, कैसी लग रही हूँ मैं? प्यारी लग रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? मीठा पानी लेने जा रहे हो जी? नजफ आप आज आप पौधों को पानी नहीं देंगी? नहीं। क्यों? अभी दाई अम्मी पानी छिड़केंगी ना आपको। अच्छा जी, चले आप दे दें, एक दो क्यारी में दे दें, फिर बाकी ताइये में दे देंगी। चले दे दें। जब आप भी पानी दे रही हैं पौधों को, चले बाल तो पीछे कर लें, आपको गर्मी नहीं लग रही? नहीं, अभी मैं नहा के। अच्छा जी, नहा के आई हैं। आप क्या कर रहे हैं वासिक? पानी दे रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे भी दे ना, इस वाले पौधे को भी दे। अच्छा हाँ जी, इधर भी दें पानी। कैसे गर्मी से मुरझा गए हैं पौधे हमारे, सूरज मक्खी तो बिल्कुल ही मुरझा गई है। कितना प्यारा है छोटा सा फूल, लेकिन गर्मी की वजह से ना सारी चीज़ें मुरझा गई हैं। इस वाले में भी दो ना, इधर भी दो। शाबाश, अच्छे बच्चे, चलें दे लें जल्दी से। जी नजफ, आप ही कैसे जा रही है आपकी पढ़ाई? अच्छे जा रही है। स्कूल जा रही हैं आप? हाँ जी। और सिपारा पढ़ने? सिपारा पढ़ना नहीं। अच्छा जी, क्यों? आज वो स्कूल में ना, वो स्कूल से आई थी, जब फिर मैं जो थकान थी महसूस करके फिर लग गई। अच्छा जी, आप आज फिर सो गई थी? हाँ जी। कल भी आप सो गई थी, आज भी आप सो गई हैं? हाँ जी, वो शाम रात को थोड़ा लेट होता है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नींद आ जाती। अच्छा जी, वैसे तो रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि सिपारा आपका मिस ना हो, ठीक है? डेली जाया करें। अच्छा जी, खाला आई हुई थी ना? हाँ जी, सही। ये क्या पी रही है नजफ आपी आप? ये मैं शरबत पी रही हूँ। अच्छा जी, क्यों? ताइया मैंने क्यों बनाया था शरबत? अच्छा जी, मेहमान आए हुए थे इसलिए। वासिक आप क्या पी रहे हो? शरबत पी रहा हूँ। कैसा बना हुआ है? गिलास हटा के बोलो ना, कैसा बना हुआ है? मजे का बना हुआ है। अच्छा जी, आप बताइए ना जब आप ही कैसा बना हुआ था? यमी ने कैसा बनाया शरबत? बहुत अच्छा। अच्छा जी, अच्छा बना हुआ है। चले वासिक, आपको आपकी चाची बुला रही हैं, चले जूती पहने, चले फिर, चले जल्दी उठ जाए, चलना है हमारे साथ। भाई वासिक तो तैयार भी हो गया है, शूज पहन रहा है वासिक तो। कहाँ जा रहे हो? ये जा रहे हैं अपनी चाची के घर। अब आज हमारे घर अचानक से मेहमान आ गए, यानी कि आज हमारे घर आए हैं मामू और मामी और बख्तावर। तो मैं आपको बता दूं, कल किसी ने कमेंट किया है कि बच्चों को वीडियो में ना लेकर आएं, कि अगर आप बच्चों को वीडियो में लेकर आएंगे तो कोई भी ना, मतलब आपकी वीडियो नहीं देखेगा। लेकिन हम बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं? आपको पता है कि बच्चों से घर में रौनक होती है, चहल पहल होती है। तो इस हिसाब से नजफ और बख्तावर जो हैं, ये भी बच्चे हैं, तो हम इन्हें भी ना लाएं वीडियो में। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चों को लाना चाहिए, बच्चों को आगे लाना चाहिए, ताकि मतलब आगे फ्यूचर में जो है उन्हें मतलब इतना हो कि वो कुछ कर सकते हैं। तो बख्तावर और नजफ अभी तक बोतल पी रहे थे, लेकिन नजफ आपी का जो है मुंह उतर गया, क्योंकि नजफ की बोतल जो है वासिक ने ले ली है।
वासिक नजफ आपी को भी दे दो, आप तो नजफ आपी की तरह ना बनो, उसने भी किसी को सलाह नहीं मारी, आप भी किसी को सलाह नहीं मार रहे हो। नजफ का मूड ऑफ हो गया, नजफ कोई बात नहीं, इतना होता रहता है। चले इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे कल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाक फौज सब देखने वाले बहन भाई जिंदाबाद।